नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं कृष्णा शुक्ला लेकर आई हूँ आपके लिए देश दुनिया की बड़ी खबरें। आज से महंगाई की मार और तेज होने वाली है, क्योंकि जरूरत की कई चीजों के दाम आज से बढ़ जाएंगे। ऐसा इसलिए कि पिछले महीने हुई बैठक में जीएसटी काउंसिल ने जीएसटी रेट बढ़ाने का फैसला लिया था। जीएसटी की दरें बढ़ने से दही, लस्सी, चावल और आटा समेत कई जरूरी चीजों के दाम बढ़ जाएंगे। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की अध्यक्षता में हुई जीएसटी काउंसिल की बैठक में दूध के प्रोडक्ट को पहली बार जीएसटी के दायरे में शामिल करने का फैसला लिया गया। जीएसटी काउंसिल की बैठक में टेट्रा पैक वाले दही, लस्सी और बटर मिल्क पर 5% जीएसटी लगाने का फैसला भी किया गया है। अनब्रांडेड प्री पैकेज्ड और प्री लेबल आटा और दाल पर भी 5% जीएसटी लगेगा। ब्लेड, पेपर, कैची, पेंसिल, शार्पनर, चम्मच, स्किमर्स और केक सर्विस आदि पर सरकार ने जीएसटी को बढ़ा दिया है। अब इस पर 18% की दर से जीएसटी वसूली जाएगी। इतना ही नहीं, एलईडी लाइट्स और एलईडी लैंप्स पर भी जीएसटी 12% से बढ़कर 18% कर दी गई है। हॉस्टल द्वारा 5,000 रुपये प्रतिदिन से अधिक का रूम उपलब्ध कराया जाता है तो उस पर 5% की दर से जीएसटी देय होगा। राष्ट्रपति चुनाव के लिए 10 बजे से वोटिंग शुरू होगी। बंगाल के दार्जिलिंग से भाजपा विधायक नीरज तमांग जिम्बा ने कहा है कि चुनाव में द्रौपदी मुर्मू की जीत पक्की है, बस औपचारिकता बाकी है। राष्ट्रपति पद के लिए आज वोटिंग होगी और करीब 4800 विधायक और सांसद वोटिंग में हिस्सा लेंगे। यहीं यशवंत सिन्हा ने कहा कि अगर द्रौपदी मुर्मू चुनाव जीतती हैं तो वो एक रबर स्टाम्प राष्ट्रपति साबित होंगी। बीजद, वीआरआईसी, आरसीपी, बसपा, अन्नाद्रमुक, टीडीपी, जद, शिरोमणि अकाली दल, शिवसेना और झामुमो के समर्थन से राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू के जीतने की संभावना सबसे अधिक है और उन्हें 60% वोट मिल सकते हैं। निर्वाचित होने पर द्रौपदी मुर्मू देश के शीर्ष संवैधानिक पद को संभालने वाली आदिवासी समुदाय की पहली महिला बन जाएंगी। उत्तर प्रदेश के मथुरा में संविदा पर रखे गए 40 साल के सफाई कर्मी के कथित तौर पर कूड़ेदान में पीएम मोदी और सीएम योगी को फोटो ले जाने के चलते नौकरी से निकाल दिया गया। इसके साथ सफाई कर्मी के गणमान्य व्यक्तियों और जनप्रतिनिधियों की तस्वीरों की जानकारी नहीं देने पर सफाई निरीक्षक और सफाई पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किए जाने के साथ ही उनके खिलाफ भी जांच के आदेश दिए गए हैं। नगर पालिका विभाग के वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सफाई में सफाई कर्मी बॉबी ने कहा कि उसकी कोई भी गलती नहीं है, वो अनपढ़ है, जिस कारण पीएम मोदी और सीएम योगी की तस्वीरें नहीं पहचान पाया। अभी के लिए बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ। धन्यवाद।